प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर समय परमेश्वर ने हालेलुया में जीवन में दिया। क्यों ना हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय हम परमेश्वर की हालेलुया आराधना करें, गीत गाएं, उसके वचन को सुने, आवाज़ को बंद करें, प्रार्थना करें। यदि पास कोई प्रार्थना विषय है तो वो डाल सकता है ताकि हम उसे के लिए प्रार्थना कर सकें। सूर्य पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, जो रात्रि के समय प्रभु एक मौका दे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा का, धन्यवाद देते हैं सूर्य पिता मालिक प्रभु। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा परमेश्वर है मेरे खुदावन। जो तेरे लोग जुड़ते हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु, होने दे परमेश्वर, देखने वाले मेरे एक मेरे भाई मेरी बहन आशीषित होने पाए। और जो हम गीत गाते हैं प्रभु, तो आराधना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी आदर महिमा जलाल प्रभु आपको मिलती रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जुड़ने वाले मेरे हर एक मेरे भाई मेरे आशीषित होने पाए, धन्यवाद देते, सहायता मत करें प्रभु जी। पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन 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 आमीन। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हिज लॉर्ड, हिज लॉर्ड, He has risen from the dead and is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He 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 has risen from the dead and is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Oh, Prabhu hai, oh, Prabhu hai, oh, Prabhu hai, murdo me se ji utha, oh, Prabhu hai, har ek ghutna tikega, har zuban kahegi, ki ye shu mera Prabhu hai. वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि ये शु मेरा प्रभु है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Say, I am free, because
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, I am rich. Because of what the Lord has done. धन्यवाद 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 बल बल गदना उड़र गल बन गदने रिखल बन गदना हालेलुया ओ प्रभु तेरी महिमा करते हैं प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हालेलुया ओ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 प्रियो एक गीत हम परमेश्वर के लिए गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड गीत है राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे राजा यीशु आए हैं सब मिलके आएंगे
ताली बजाएंगे। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोछेगा, हाथों को थामेगा। आज तेरे रहता वो पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से, शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद, स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिंदा परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, महिमा हो, महिमा हो, आदर हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, हालेलुया। रवा शिखंदन बलग देना, हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं महान, महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, मुर्दों में से जिंदा होने वाले परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, धन्य पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए परमेश्वर, जो वीडियो को देखते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप हर एक लोगों को भी आशीषित करें मेरे पिता प्रभु जी, हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, जीवन में, परिवार में, घर में प्रभु, हालेलुया, उनको आशीष करें, घर में प्रकार के परेशानियां दूर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड प्रभु, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, दया करे, दया करे, छुटकारा दे परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। घर परिवार में आशीष करे प्रभु जी, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। जैसे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हम प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आप सहायता मदद करें परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। थैंक यू, आप जुड़े, प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सो आप डाल सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि लास्ट में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सको और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सो ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा सुनेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में थोड़ा बिताएंगे हम। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, उसका 6वां अध्याय उसका 8 हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 8 पद आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर की जो दृष्टि है, परमेश्वर की जो नजर है, परमेश्वर की जो नजरें हैं किसके ऊपर है, वो नूह के ऊपर बनी रही लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर क्या रही, बनी रही। अनुग्रह को बोलते हैं फेवर, फेवर या ग्रेस इंग्लिश में बोलते हैं, और फेवर हम बोल सकते हैं। फेवर का मतलब होता है, प्रेज द लॉर्ड, कई बार हम देखते हैं कि हालेलुया, कई बार बहुत से लोग बोलते ना कि मुझ पे थोड़ा फेवर करना और अनुग्रह करना, फेवर मतलब अनुग्रह करना। तो परमेश्वर की जो दृष्टि है वो नूह के ऊपर बनी रही लिखा है, अनुग्रह की, दया की, उसके ऊपर दया की, अनुग्रह की और दृष्टि परमेश्वर की नूह के ऊपर बनी रही। अब सवाल ये आता है कि नूह के ऊपर क्यों बनी रही, ऐसा क्या था जो नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। पहला, नूह एक धर्मी पुरुष था। प्रेज द लॉर्ड। 9 पद में आप पढ़ेंगे, आगे इसमें लिखा है नूह धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की दृष्टि धर्मी लोगों के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, बनी रहती है। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 1 का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके 6वें पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानते हैं, परंतु दुष्टों का मार्ग, दुष्टों की रास्ता नष्ट हो जाएगा लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानते हैं। परमेश्वर धर्मी के कौन है, आप देख लेते हैं धर्मी होता कौन है। धर्मी पुरुष वो होता है जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, जो हर परिस्थिति, हर मुसीबत में, हर हालातों में, हर चीजों में वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसको धर्मी पुरुष कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, धर्मी इंग्लिश में बोलते हैं राइचस मैन। अगर हम राइचस को डिवाइड कर देते हैं तो रो पे लिखा राइट, RIGST, राइट मतलब होता है सही, व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर के सम्मुख रहता है, सही बना रहता है, अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीता है, वही एक धर्मी पुरुष होता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी पुरुष वो होता है जो परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखता है। अब्राहम की बात करें, अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उसको एक पुत्र दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन 100 साल की उम्र में उसको एक पुत्र दिया और उसी पुत्र को परमेश्वर ने बलि के लिए मांग लिया। लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया उसे कहा कि तुझे अपने बेटे को बलि देना है, लेकिन अब्राहम ने बिना कुछ सोचे विचार किए उसने क्या किया, अपने बेटे को बलि देने के लिए तैयार हो गया और अपने बेटे को हालेलुया वो लकड़ी लेकर, चाकू लेकर, रस्सी लेकर जब वो बलि देने के लिए जा रहा था, उसके बेटे ने पूछा भी कि पिताजी
बलि तो है नहीं, मेमना तो है नहीं, लेकिन वहां पर लिखा है अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा, प्रेज द लॉर्ड। और जब हल्लेलुया वहां पर पहुंचे, उन्हें अपने बेटे को लकड़ी पर लटाया और बांधा, जैसे उसे मारने जा रहा था परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम रुक जा, क्योंकि हल्लेलुया मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, प्रेज द लॉर्ड। और देख मेमना वहां फंसा हुआ है, वो जाकर कर। यीशु परमेश्वर ने क्या किया, हल्लेलुया, अब्राहम को वो ये नहीं कह रहा कि तुझे अपने बच्चे को देना, लेकिन वहां पर क्या देखा, अब्राहम का विश्वास देखा, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का विश्वास देखा कि इसने क्या कैसे क्या विश्वास किया कि परमेश्वर आप ही क्या करेगा, प्रबंध कराएगा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आप ही जरूरतों को पूरा करेगा। उसे पता था कि परमेश्वर मेरे बेटे को नहीं लेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हल्लेलुया, उसके विश्वास को देखा कि क्या ये मेरे ऊपर विश्वास करता है। कई बार मेरे प्रिय, हल्लेलुया, बाइबल बताती है कि अब्राहम ही विश्वास के द्वारा एक धर्मी ठहरा, प्रेज द लॉर्ड। तो याद है कि उसने विश्वास किया परमेश्वर पर और वो धर्मी बना, धर्मी ठहरा। इसलिए धर्मी पुरुष वो होता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हल्लेलुया हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, हम कई बार हमारे अंदर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे शक वगैरह हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है शक करने वाला व्यक्ति उस लहर, समुद्र की लहर के समान है जो उठती है और फिर नीचे हो जाती है, लहरों के समान उसका विश्वास होता है। लेकिन ऐसे विश्वास करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे से परमेश्वर से कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा बताने का विषय ये नहीं है, मेरा बताने का विषय मेरा ये है कि धर्मी व्यक्ति वह होता है जो हमेशा परमेश्वर के साथ हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर दुखों में, हर चीज में वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। उसे हम राइटस मैन कहते हैं, उसे हम धर्मी पुरुष कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने हल्लेलुया नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि इसलिए बनी रही क्योंकि वो क्या था, एक धर्मी पुरुष था, प्रेज द लॉर्ड, धर्मी पुरुष था। अब परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि उस पर क्यों बनी रही, वो धर्मी पुरुष था। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, हल्लेलुया, दूसरा क्या था, लिखा है नौ में लिखा है कि वो अपने समय के लोगों में, प्रेज द लॉर्ड, खरा मनुष्य था। अपने समय के लोगों में वो एक खरा मनुष्य था। खरा मनुष्य मतलब होता है ब्लेमलेस, ब्लेमलेस मतलब होता है किसी के ऊपर दोष ना होना। नूह अपने समय के लोगों में एक ब्लेमलेस था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, कोई कैसा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता था कि नूह ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड, उसको खरा भी कहते, खरा मनुष्य। छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब के जीवन से देखें, अय्यूब क्या था, बाइबल बताती है अय्यूब उज देश में रहने वाला मनुष्य था और लिखा है वो एक क्या था, खरा मनुष्य था, बुराई से दूर रहने वाला, हल्लेलुया, और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। कौन, अय्यूब। और अय्यूब एक खरा मनुष्य था, मतलब इधर से उधर नहीं होगा, लोगों के सामने खरा, कोई ये नहीं कह सकता कि नू अय्यूब ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड। हालांकि प्रभु के लिए अगर वो सताव सह रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता वो गलत मनुष्य है, क्योंकि अय्यूब के जीवन से देखे, अय्यूब जब बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परीक्षाएं, उसके बच्चे मर गए, उसके सारे जानवर मर गए, उसके जीवन में बीमारियां आ गई, उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, हल्लेलुया, उसके दोस्तों ने उसे कर छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी खराई में, अपनी सच्चाई में, अपनी ईमानदारी में, अपने उसमें परमेश्वर में बना रहा। उसने अपने ऊपर किसी रीति से परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया और उसके ऊपर भी कोई दोष लगा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है आन बाद में जब परमेश्वर ने देखा ये अपनी परीक्षाओं में, अपनी चीजों में खरा निकल चुका है, तो परमेश्वर ने उसको वापस और तिगना चुगना परमेश्वर को फिर से ब्लेस और आशीषित किया। वो क्यों, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष था। खरा मनुष्य मतलब वही होता है जो क्या, परमेश्वर के सामने ब्लेमलेस रहता है, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो। मैं फिर भी बताना चाहता हूं, कोई आपको ये ना कहे कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये ऐसा है, कोई आपके ऊपर कोई दोष ना लगाए, कोई आपको भला बुरा ना कहे, आपके ऊपर कोई ये ना कहने पाए कि इसका जीवन ऐसा है, इसका जीवन ऐसा है।
क्योंकि यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड हमारे जीवन को सुधारते हैं, हमारे मन को बदलते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारे हालेलुया हमारे चरित्र को बदलते हैं, हमारे हर एक चाल चलन को सुधार देते हैं जब उसके वचन को पढ़कर उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमारे हर पापों को धोता है, एक सही मनुष्य बनाता है, एक सही इंसान बनाता है। इसीलिए परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर की जो अनुग्रह और दया की दृष्टि जो नूह के ऊपर बनी थी वो इसलिए बनी थी क्योंकि वो एक ब्लेमलेस था, मतलब उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नौ पद में लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब जानते हो क्या है? वो हर परिस्थिति में परमेश्वर चलता रहा। ये नूह के बारे में जब पढ़ोगे छठे पद से लेकर अध्याय से लेकर आप 7-8 पढ़ोगे वहां पर क्या है, एक ऐसी घटना घटी जिससे क्या था, नूह और नूह का परिवार बचाया गया। और वो घटना क्या घटी थी? वो घटना ये घटी थी कि नूह को परमेश्वर ने देखा कि उन समय के लोगों में कि क्या था, ये एक धर्मी पुरुष था, ब्लेमलेस था, मेरे परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उस समय के लोगों में उसको परमेश्वर ने चुना। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चुना? क्योंकि वो इस अंदर गुण थे इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हल्लिया उस समय में जो लोग थे अधर्मी पाप और बुराई से भरे हुए थे। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जब तीसरे पद में पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड लिखा है तब यहोवा ने 6:3 में लिखा हुआ है तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोय वाद करता ना रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और देखो आयु उसकी 120 रहेगी। और उसके बाद जब हम पीछे पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड ठीक है 6 से लिखा हुआ है 6 से पढ़ेंगे लिखा है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों परमेश्वर नाश कर रहे हैं? क्यों क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों सवाल आता है, क्यों परमेश्वर उनको नाश कर रहे थे? क्योंकि उस समय के लोग भी आज के समय की तरह पापी मनुष्य बन चुके हैं। जिस समय परमेश्वर ने हल्लिया आदम को बनाया, आदम ने हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर से दूर हो गए। इसे लिखा रोमियों 3:23 में सबने पाप के परमेश्वर से दूर हुए। परमेश्वर से दूर होने के बाद हल्लिया वो परमेश्वर को फिर दोबारा कभी देख ना सके। फिर उनके दो बेटे हुए केन एबल और कैन ने अपने भाई को जलन में अपने भाई को जान से मार दिया। धीरे धीरे दुनिया में पाप बढ़ने लगा। नूह का समय आया। नूह के समय में सभी लोग पापी और बुरे गंदे अपने जीवन को जीने लगे। लेकिन परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि हुई वो नूह के ऊपर हुई क्योंकि नूह उस समय के लोगों में क्या था, धर्मी क्या था, निर्दोष खरा मनुष्य क्या था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर की जो नजरे दृष्टि में नूह एक धर्मी ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हल्लेलुया उसको चुना और परमेश्वर नूह से कहा नूह सुन उन लोगों के बीच में जा और उन लोगों को बता कि मैं इस पृथ्वी के लोगों को नाश कर रहा हूं क्योंकि मैंने इन लोगों को बनाकर पछता रहा हूं। मैं पछता रहा हूं मैंने क्यों बनाया इन संसार के लोगों को।
क्यों बनाया परमेश्वर कह रहे। और नूह उनके बीच में गया, नूह ने बोला, कहा मन फिराओ, विश्वास करो, बचाए जाओगे, कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात जल प्रलय करने जा रहे हैं। उस समय पहली बार पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, उससे पहले कभी, मैं विश्वास करता हूं कभी नहीं हुआ होगा। उस समय पहले, उससे पहले कभी जल प्रलय, जैसे पानी बारिश कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि आदम के समय पर देखते हैं तो धरती अपने आप ही जब ओस पड़ती थी तो ऑटोमेटिकली वो धरती उग जाती थी, उससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन जब नूह ने कहा परमेश्वर बारिश करेगा, बाढ़ आएगी, सब डूब के मर जाएंगे, विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें बचा लेंगे, कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज के समय में ये देख लो, आज के लोग क्या करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह विश्वास करते हैं, उनको सताव करते हैं, उनके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, उनको कई बात बुरा भला कहते हैं। कोई कहता है कि दो बोरी चावल में बिक गए, कोई कहता है कि इनको लालच दे दिया, इनको कहीं यो दे दिया, वो दे दिया, वो सारे बहाने बोल बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें, मुझे विश्वास में आए 18-19 साल हो गए। अगर मैं अपनी गवाही आपको बताऊं तो अभी मैं समय नहीं है, मैं कल जरूर आपको अपनी गवाही रखूंगा, प्रेज द लॉर्ड। हम 18 साल विश्वास में हो गए। अगर मैं एक जन्म से विश्वासी नहीं हूं, जन्म से मैंने विश्वास नहीं किया, जन्म से मैं बोर्न बॉटम, मैं मसीह नहीं हूं, मैं एक हिंदू परिवार से हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कार्य किया है, मैंने जाना कि, और परमेश्वर हल्लेलुया नूह से कहा कि जाकर उनको बोल, उनको बता, और नूह उनके पास गया, लोगों से कहा, बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया होगा, अरे नूह, अरे कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नाश नहीं होगा, सब कुछ नहीं है, वो पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा था, क्या हो जाएगा, सबका पाप करते हैं, सब बुरे काम करते हैं, सब गंदे काम करते हैं, सब ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई तुम क्यों कर रहे हो। एक मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ, एक बताया किसी ने, एग्जाम्पल दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ये वचन चाहे दूसरे भी ब्लेस हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, एक बार एक समुद्र से बहुत सारी मछलियां समुद्र के बाहर आ गई, बहुत सारी मछलियां आ गई, तो एक व्यक्ति कर रहा था, एक उठा रहा, मछली को उठा उठा के पानी में डाल रहा था, उठाया और डाला, पानी उठाया और पानी में डाल दिया। सो एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई तू कितने को बचा लेगा, कितनों को बचा लेगा तू। उसने कहा कि मैं सबको तो नहीं बचा पाऊंगा, जाति बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। पता है परमेश्वर ये चाहते हैं, क्योंकि लिखा है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना निश्चित है। मनुष्य मरेगा, उसका न्याय होना निश्चित है, श्योर, नोबडी कैन सेव अस, कोई बचा नहीं सकता। वी हैव टू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड एंड हमें परमेश्वर में खड़ा होना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता हमें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नूह के समय पे लोगों को बोलते गए, किसी ने विश्वास नहीं किया। वापिस नूह आया, बोला परमेश्वर कोई विश्वास नहीं कर रहा। धर्मी पुरुष था, परमेश्वर से प्रार्थना करता, साथ साथ चलता था, मतलब परमेश्वर सम्मुख रहता था, साथ साथ चलने वाला, प्रार्थना करने वाला, चलता फिरता बैठता, परमेश्वर बस प्रार्थना करना था, साथ संबंध अच्छा था परमेश्वर साथ। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नूह और विश्वास करे चाहे ना करे, तुझे एक काम कर, तू एक जहाज बना, उसको बोलते हैं इसमें आर्क, हिंदी में जहाज बोल दो, शिप बोल दो, जहाज बनाए। परमेश्वर का उसमें अच्छी अच्छी लकड़ियां लगाना, और जिस लकड़ी का उसने इस्तेमाल किया था वो था गोफर, GOPHER, गोफर, गोफर लकड़ी का उसने इस्तेमाल किया। जब जहाज को बनाने गोफर लकड़ी का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी मदद करूंगा,
मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान बुद्धि दूंगा कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। और नूह ने क्या किया, बनाना शुरू किया। और वो अकेला नहीं बना रहा था, उसके परिवार ने देखा, अरे देखा होगा, अरे मेरे पापा तो जहाज बनाना शुरू कर रहे हैं, लकड़ियां लेके आ रहे हैं, जहाज बना रहे हैं। पत्नी ने बोला चलो साथ करते हैं, तीन बेटे, तीन बेटों भी साथ लग गए, चलो पापा मत करते हैं, तीन बेटों की पत्नियां, चलो आठ लोग मिलकर जहाज को बना रहे हैं। लग गए कैडे पड़ के, लग गए बनाए, लग गए जहाज को अच्छे तरीके से बनाने लग गए, जहाज को बना रहे। बेटा लकड़ी लेके आ रहा है, वो छील रहे हैं, वो कोई बांध रहा है, बना रहे जहाज को, बना रहे जहाज को, बना रहे जहाज को, बना रहे जहाज को। और परमेश्वर ने कहा, उस समय इंच टेप वगैरह नहीं होती थी, वो हाथ से करके नापते थे, इतने 50 हाथ लंबा, 100 हाथ ऐसे करके परमेश्वर ने लिखा हुआ है। मैं टाइम नहीं है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं इसको। परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड उनको बोला, वो जहाज को बना रहे। और जहाज को बनते 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 कम से कम 120 वर्ष लग गए, 120 वर्ष जहाज को बनते बनते 120 वर्ष लग गए। जहाज बन के तैयार हो गया, जहाज बन के तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने क्या लिखा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन क्या बताता है, हालेलुया, धन्यवाद। लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, उसे कहा कि किन किन चीजों को, किन किन लोगों को लेके जाना है। परमेश्वर ने हरेक जानवरों में से दो दो जोड़े परमेश्वर ने ले जाने के लिए बोला। ये नहीं परमेश्वर नहीं चाहते थे सब नाश हो, प्रजातियां बचे, हरेक जानवरों से प्रजातियां बचे। थोड़ा समय नहीं इसमें, ऐसा डैम आप पढ़ सकते हैं, 6-7-8 पढ़ सकते हैं अगर पास बाइबल है तो। परमेश्वर ने कहा कि इतने जानवर को मेल और फीमेल कर उनको लेके जाना, सारे जानवर के दो जोड़े पक्षियां, और प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने सबको ले जाने के लिए बोला। सब जानवर चले गए और नूह और नूह का परिवार परमेश्वर जाने के लिए बोला। और उसके बाद एक सप्ताह बाद बारिश शुरू हुई, एक सप्ताह बाद बारिश शुरू हुई तो बारिश होने लगी। उस वक्त लोगों के अंदर डर, भय छाने लगा हुआ, और जब भय छाने लगा तो लोगों ने सोचा कि अपने आप को बचाने की कोशिश करें, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि उस दरवाजे को उस परमेश्वर ने बंद कर दिया था। और लिखा है, सामने से बाढ़ आई और सबको बहा कर ले गई, सब डूब के मर गए, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, सब डूब के मरे। नूह और नूह का परिवार बचा। 40 दिन 40 रात कंटिन्यू बारिश होती रही और सब डूब गया। सब जानवर जो बच गए थे वो भी खत्म हो गए, इंसान सब मर गए, नूह और नूह का परिवार बचा और सब पेड़ पौधे डूब गए। मेरे प्रियो, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे जगहों में, दुबई का देखो, दुबई में कितना बुरा हाल हो रहा है, कितने दिन बारिश हुई होगी, इतना बुरा हाल हो रहा है दुबई का। तो सोचो नूह के समय पर इस हम लोग दुबई को झूठ कह सकते हो कि न्यूज में हम देखते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। तो सोचो नूह के समय पर जब हुआ होगा 40 दिन 40 रात, कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्या तहस नहस मच गया होगा, वो सब डूब के मरे, बस नूह और नूह का परिवार बचा। जब 40 दिन 40 रात खत्म हुए तो उसने क्या किया, खिड़की में से कौवे को उड़ाया, कौवे को पकड़ा, कौवे को उड़ाया, कौवा वापस नहीं आया, कबूतरी उड़ाई, कबूतरी गई वापस आ गई, फिर कुछ मैंने बात किया, कबूतरी को पकड़ा फिर उड़ाया, और जब वापस आई तो उसके चोट में पत्ता फंस गया, जिससे नूह को पता लग गया कि पानी सूखना शुरू हो गया है। 150 दिन तक पानी रहा, 150 दिन बाद सूखा। परमेश्वर ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद जब पानी सूख गया उसका जहाज एक अरारात माउंटेन है, सर्च कर लेना गूगल में, अरारात माउंटेन, अरारात पहाड़ सर्च करना गूगल में,
वहां पे जाके अटक गया और परमेश्वर ने कहा नू अपने परिवार के लेके तू बाहर आ सकता है। जैसे नू बाहर आया प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर ने एक रेनबो दिखाया और कहा ये रेनबो तेरे और मेरे बीच में क्या एक वाच है। तो जब कभी भी देखेगा क्या देखना, मैं दोबारा से पृथ्वी के लोगों को पानी से नाश नहीं करूंगा, क्योंकि जो मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई और गंदा होता है। मेरे प्रियो, अब मनुष्य का नाश कैसे होगा, वही समय आज भी है, सेम कंडीशंस आज भी है जो नूह के समय में थी सेम, बस आज बारिश नहीं हो रही हर जगह पर। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य क्या कहता है, जो मन में उत्पन्न होता बुराई और गंदा उत्पन्न होता है, इसलिए मनुष्य अब मरेगा अपने ही पापों के कारण मरेगा, जो उसने अपने जीवन में पाप किए हैं। अगर हम सोचे कि हमारे पाप हमारे अच्छे कर्मों से खत्म हो जाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके नाम से हमारे पाप क्षमा हुए। मेरे भाई मेरी बहन, इंसान ने पाप किया है तो इंसान की ही बलि चाहिए होती, लेकिन कोई भी ऐसा पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके पाप किसी के लहू से क्षमा किए जाए, किसी के लहू से धोए जाए। लेकिन एक ही का लहू है, एक ही ने जान दी, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम का मतलब है पापों से उद्धार देने वाला, और यीशु का लहू में सब पापों से धोता है। इसलिए लिखा है कि अनुग्रह की दृष्टि इसलिए उसके ऊपर हुई क्योंकि वो धर्मी था, निर्दोष था, खरा मनुष्य था और परमेश्वर के साथ चलता था। मेरे प्रियो, आज दुनिया में इतना पाप इतनी बुराइयां फैल गई हैं। मेरे प्रियो याद रखें, हमें नहीं पता हम कब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, क्या पता कल क्या हो जाए। लेकिन इस पृथ्वी पर से जाने से पहले उस यीशु पर विश्वास जरूर कर ले, अपने पापों की क्षमा पाकर एक बार कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो डाल, मैं पापी मनुष्य हूं। मेरी बहन मेरे भाई, यीशु ने कहा जो कोई अपने पापों को माने उसे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। नूह के समय में बचने के लिए नूह का झाज था, आज में बचने के लिए यीशु का नाम है। मेरे भाई, स्वर्ग और नर्क रियल में है, रियल में। अगर इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं then you will see after death where is the hell and where is the heaven। हम मरने के बाद पता है कौन स्वर्ग जाए कौन नरक जाएगा, लेकिन बता रहा हूं that is a real 100% one real is there। सच में स्वर्ग और नरक है। यीशु मसीह क्यों आकर बोले मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, क्यों कहा, क्यों आज मेरे भाई मेरी बहन क्यों बोलते पापों से मन फिराओ। नूह के समय नूह बोला पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, आज भी बोलते हैं। क्यों आज लोग यीशु पर विश्वास करते हैं पता है, दो बोरी चावल नहीं है। यीशु पापों की क्षमा देता है, यीशु एक माँ और बाप की तरह प्रेम करता है, यीशु हमसे हल्लेलुया हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें कभी भी ना छोड़ने वाला वायदा करता है। इसलिए मैं फिर मैं आप लोगों की प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है तो अपने पापों की क्षमा पाकर सही बनना चाहता है तो समय से पहले अपने पापों की क्षमा पाकर उस परमेश्वर विश्वास करें और दूसरों को भी शेयर करें। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद स्वर्गीय पिता मालिक परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, वो लाइव के माध्यम से मेरे भाई मेरी बहनों को जो प्रचार करने के लिए मौका धन्यवाद देते, मेरे भाई बहनों को बहुत आशीष करना प्रभु। यदि हमसे जो भी पाप और गुनाह हुए हैं प्रभु क्षमा करें, अनुग्रह करें मेरे पिता। हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। नूह के समय प्रभु सब लोग मारे गए, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, नूह का मजाक बनाया इन बातों का। आज ही प्रभु यीशु तेरा मजाक बनाते हैं, यीशु तेरे ऊपर हंसते हैं, यीशु तेरे लोगों को सताते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन मेरे पिता वो दिन दूर नहीं है जब सबका घुटना टिकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हमारे पाप और गुनाह को क्षमा कर प्रभु। मेरे पिता हम सारे पापों को बचपन से लेकर अभी तक जितने भी जवानी में जितने पाप किए हैं सबकी क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक मेरे भाई बहनों के पाप को क्षमा कर खुदावन। किसी का लहू नहीं लेकिन केवल तेरा लहू हमारे पापों को धोता है।
प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। धन्यवाद प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। मेरे परमेश्वर सब मेरे भाई बहनों को सबको आप ब्लेस करे, सबको आशीष करे, सबकी बीमारी को दूर करे, छुटकारा चंगाई दे, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष करे।